Hello children, how are you? Children, today we will study that how we can form adjectives. Adjective को कैसे हम बनाते हैं, क्या हम add करते हैं जिससे जो noun और pronoun है और verb है वो adjective बन जाता है. So in this video we will see that how verb changes into adjective by adding some things. क्या क्या add करते हैं क्रिया में जिससे जो एक वर्व है वो एडजेक्टिव बन जाता है, यानी क्रिया से वो विशेषता बन जाता है किसी भी चीज़ की. लेट्स सी. सो फॉर्मिंग एडजेक्टिव्स फ्रॉम वर्ब्स. सो किस तरीके से हम वर्ब्स को एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे? बाय एडिंग आईएनजी एंड ईडी टू वर्ब. यानी अगर हम वर्ब में आईएनजी और ईडी अगर हम जोड़ देते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है. कैसे? फॉर एग्जांपल, एक्साइट एक वर्ड है, एक्साइट जिसका मतलब होता है जोश आना. ठीक है, सो एक्साइट में अगर हमने आईएनजी जोड़ दिया तो हो जाएगा एक्साइटिंग. तो एक्साइट से एक्साइटिंग बन गया. तो जैसे मैंने कहा कि साइकिल चलाना बहुत एक्साइटिंग होता है, बहुत ही मज़ेदार काम होता है. दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक बाइसिकलिंग. उनको साइकिल चलाना बहुत पसंद होता है. तो साइकिल चलाना एक एक्साइटिंग काम है, यानी बहुत ही आनंददायक काम होता है. तो यहाँ पर एक्साइट में आईएनजी जोड़ा तो एक्साइटिंग हो गया, और एक्साइटिंग किसी काम की विशेषता बन गई, एक्साइटिंग. ठीक है, वो बहुत ही एक्साइटिंग पर्सन है, उसे जो बात करता है बहुत ही जोशफुल, जोश वाला, या फिर बहुत ही खुश हो जाता है बिकॉज वो बहुत एक्साइटिंग पर्सन है. ठीक है, अभी विल सी मोर एग्जांपल्स. बिफोर दैट वी कम टू द पॉइंट, वी कम टू द टॉपिक, लेट मी जस्ट क्लियर यू टू मोर थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट. आईएनजी जब किसी क्रिया में जुड़ता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है. फॉर एग्जांपल, प्ले का हम प्लेइंग करते हैं, गो का हम गोइंग करते हैं, वर्क का वर्किंग करते हैं, राइट का राइटिंग करते हैं. तो जब भी वर्ब में आईएनजी फॉर्म जुड़ जाता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है. ईडी जब किसी क्रिया में वर्ब में हम ईडी जोड़ देते हैं, फॉर एग्जांपल, प्ले में ईडी जोड़ दिया, प्लेड, वॉश में ईडी जोड़ दिया, वॉश्ड, क्राई में ईडी जोड़ दिया, क्राइड, एंड क्लीन में ईडी जोड़ दिया, क्लीन्ड. सो जब हम किसी क्रिया में ईडी जोड़ देते हैं तो वो सिंपल पास्ट या फिर पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है, क्योंकि हम ईडी यानी जो पास्ट की ही फॉर्म्स में हम सेकंड और थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, और उसी में ही, और वो मैक्सिमम सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल ही होता है जहाँ हम ईडी फॉर्म यूज़ करते हैं. राइट, नाउ कम टू द पॉइंट. व्हाट वी फील और समवन फील्स, जो हम फील करते हैं या कोई और फील करता है, तो उस क्रिया में हम ईडी जोड़ते हैं. फिर से, जब हम कोई चीज़ फील करते हैं या फिर कोई और कुछ फील करता है, महसूस करता है, तो हम उसमें ईडी जोड़ते हैं. फॉर एग्जांपल, ही वाज कंफ्यूज्ड. सो चिल्ड्रन, कंफ्यूज, जो कंफ्यूज है वर्ड कंफ्यूज, लेट मी राइट फॉर यू, कंफ्यूज. सो कंफ्यूज में जब ने डी लगा दिया तो हो गया कंफ्यूज्ड. सो कंफ्यूजन क्या है? एक भावना है, फीलिंग है, जो कि वह फील करता है. उसने कहा ही वॉज कन्फ्यूज्ड. सो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एडजेक्टिव. सो यहाँ पर दिस वर्ड हैज़ बीन एडजेक्टिव. ठीक है, यानी अब उस लड़के की खासियत क्या हो गई है? वो कैसा है? भ्रमित है, कन्फ्यूज्ड है. सो ही वॉज कन्फ्यूज्ड, उसको कन्फ्यूजन की फीलिंग है. I am worried, मैं बहुत परेशान हूँ. So student, worry
दिस इज फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हमने ई डी जोड़ दिया वाई हटा के, सो ये वरीड हो जाएगा. तो मैं कैसा फील करता हूँ, परेशान, आई एम वरीड. सो यहाँ पर वरीड विल बी एन एडजेक्टिव. माई पेरेंट्स आर अनॉयड, सो अनॉय का मतलब होता है नाराज़ करना किसी को. सो यहाँ पर ई डी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, नाराज़ होना. सो ई डी, अनॉय में ई डी जोड़ दिया तो नाराज़ होना हो जाएगी इसकी हिंदी. तो पेरेंट्स कैसे हैं, नाराज़ हैं, अनॉयड, वो उनको वो नाराज़गी की फीलिंग है उनमें. वी वर टायर्ड बाय लास्ट नाइट, हम बहुत थक गए थे लास्ट नाइट तक, यानी पिछली रात तक हम बहुत थक गए थे, यानी कोई काम किया होगा. सो दे मस्ट हैव बीन टायर्ड. सो उनमें कैसी फीलिंग आ रही, थकावट की. सो टायर, सो टायर में ईडी जोड़ दिया, थका हुआ. सो वी वर टायर्ड बाय लास्ट नाइट. सो यहाँ पर टायर्ड क्या हो जाएगा, विशेषता. दे हैव बीन डिसअपॉइंटेड सीइंग द रिजल्ट्स, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, आशाहीन हो गए. कैसा, क्या देख करके, अपना रिजल्ट देख करके. सो यहाँ पर डिसअपॉइंट में हमने ई डी जोड़ दिया तो डिसअपॉइंटेड हो जाएगा. तो अब ये लोग कैसे हो गए, आशा रहित हो गए, उनमें कोई उम्मीद नहीं है, बहुत ही दुखी है, सैड है कि अपने रिजल्ट्स को देखकर. सो दे हैव बीन डिसअपॉइंटेड. स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, डू लेट मी नो सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड अगेन विद डिफरेंट वे और विद नो ईजी वे. एंड जो नाउन से एडजेक्टिव बनाने का पार्ट है, we will discuss in the another video. Children, till then try to understand, watch the video again. If you have any doubt, you can make message on WhatsApp, but do ask, because watching video only will not help you at all, because we have to understand, we have to grasp the thing so that we can do our best in our test, even in real life. Jo bhi, kyunki sirf likhne padhne se nahi, usko use bhi karna hai aapko apni daily life mein, right? So children, take care, bye bye, see you soon.